Merry Christmas and Happy New Year. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव होम मेकर में आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ प्रीति और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव होम मेकर। तो न्यू ईयर भी आ रहा है और क्रिसमस भी, तो न्यू ईयर और क्रिसमस दोनों की डेकोरेशन हम एक साथ ही कर लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने खुद ही DIY की हैं डेकोरेशन के लिए, और डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी आइडिया मिलेगा इससे कि किस तरीके से हम घर में डेकोरेशन हमारे कर सकते हैं, वो भी बिना खर्चे के, बहुत ही कम खर्चे में आप वेस्टेज चीज़ों से ही डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और तो फ्रेंड्स, सेलिब्रेट करते हैं हम क्रिसमस को, तो उसके लिए डेकोरेशन तो बनता ही है। तो डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ DIY किया है, कुछ आइटम्स जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ चीज़ें, और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैंने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कर रखी हैं। और कुछ अभी बाकी भी हैं जो कि मैं क्रिसमस डे के दिन ही आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि गिफ्ट केक वगैरह तो क्रिसमस डे के दिन ही लाया जाता है। गिफ्ट तो पहले भी ले आए, लेकिन केक तो उसी दिन लेकर आएंगे, तो क्रिसमस डे के दिन भी मैं कुछ नया लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना डेकोरेशन दिखा देती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होता है बच्चे बहुत खुश होते हैं क्रिसमस को लेकर के, और मेरे बेटे को तो ये फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा बेटा 3 ईयर का है। 2 ईयर से तो वो बहुत छोटा था, 2 बार उसके लाइफ में क्रिसमस आया तब से, तो ये उसके लिए फर्स्ट टाइम है। और वो बहुत एक्साइटेड है कि मम्मा क्या कर रही हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, क्या क्या होता है, वो पहली बार ही देखेगा। तो चलिए मैं उसकी भी एक्साइटमेंट आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है, और हम लोग उसके लिए क्या क्या कर पाते हैं। ये आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि अपने बच्चों के लिए आप क्या क्या क्रिसमस पर कर सकते हैं, क्या क्या डेकोरेशन कर सकते हैं, बच्चों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे इस वीडियो को। और भी वीडियोस मैंने इस क्रिसमस से रिलेटेड डाले हैं जो कि DIY किए हुए हैं। मैंने सेंटा बनाया है और बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जो इसमें मैंने वीडियो में डाली हुई हैं अलग अलग, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और मैं 2 दिन से लगी हुई थी क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों के लिए, तो मैंने पूरा वीडियो क्लिप बना कर रखा है। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने क्रिसमस ट्री को सजाया है, और सजाने के लिए क्या क्या मैंने DIY किया है, क्या क्या परचेस किया है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए प्लीज़ मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बेटा बहुत ही एक्साइटेड है क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर के, बहुत खुश है, मम्मा क्या कर रही है सब देख रहा है, वो पूछ रहा है बार बार। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे और देखिए मैंने ये क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं क्रिसमस डेकोरेशन को लेकर के। ये देखिए सेंटा मैंने बनाया है अपने हाथों से, तो इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैंने अलग से बनाकर डाला है। और ये देखिए स्नोमैन भी अपना बनाया है मैंने, अपने हाथ से बनाया है, खुद से DIY किया है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाकर डाला है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये देखिए क्रिसमस बैल, ये देखिए ये भी मैंने DIY किया है, इसका भी वीडियो अलग से बना करके मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप लोग को इसका वीडियो चाहिए तो जा करके मेरे चैनल पर सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। और ये देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें बनाई हुई है मैंने डेकोरेशन के लिए, ये छोटी सी बेल देखिए, इस टाइप की 3-4 बेल बनाई है मैंने, ये सब ग्लिटरी पेपर से बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बनाना भी काफ़ी इजी है। ये देखिए स्टार भी बनाया है मैंने DIY किया है खुद से, और ये स्टार का भी वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है। और ये देखिए हाउस भी बनाया है, इस पर काफ़ी स्नो डाली हुई है, अभी इसे वहाँ पर और अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा। और ये देखिए कुछ मेरे पास लाइट्स हैं, ये कलरफुल लाइट्स हैं, और ये डेकोरेटिव पेपर है जो मैंने परचेस किया था। कुछ ये मेरे पास वेस्टेज आइटम पड़े हुए थे पुराने, उन्हीं सबको निकाल करके मैं इन्हें
डेकोरेशन के लिए यूज करूंगी मैं। और देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे से मैंने स्टार्स, बेल वगैरह बनाई हुई है। ये सब चीज़ें मैंने DIY की है खुद से। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक, और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। ये सब मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाले हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी बेल्स बनाकर रखी हुई है। ये सब डेकोरेशन आइटम मैं क्रिसमस ट्री पर और क्रिसमस डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सब आइटम मैंने एक जगह पर रख लिए हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए लाइट, और ये जो फ्लावर दिख रहे हैं क्रिसमस फ्लावर हैं, और ये मैं मनाली गई थी तब मैं लेकर आई थी वहाँ से, तो ये भी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ डेकोरेशन के लिए। और ये देखिए बेल्स भी मैंने ये अपने हाथ से बनाई हुई है, खुद से DIY की है। तो इसका तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि ये बहुत पहले बना ली थी मैंने। और ये देखिए लैम्प बनाया है मैंने कुछ इस तरीके से। अभी आगे चल के मैं आपको इसको हैंग करके दिखाऊंगी और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सा लाइट भी लगाऊंगी। तो ये सब चीज़ें डेकोरेशन की आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इन्हें अगर आप लोग अलग से देखना चाहते हैं तो इनके अलग अलग वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर आइटम बनाए हैं मैंने, आप खुद भी DIY कर सकते हैं घर में। वेस्टेज आइटम से ही सारे DIY किए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने घर मतलब मेन डोर के बाहर जो मेरी गैलरी है, बाउंड्री है, पोच कह सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरा डेकोरेशन करूँगी क्योंकि वहाँ पर स्विच लगाने के लिए भी अलग से दिया हुआ है। तो ये देखिए मेरा ट्री है, सबसे पहले मैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूँगी क्योंकि ट्री डेकोरेट करने में बहुत ही टाइम लगता है। तो चलिए अब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करती हूँ और आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से मैं डेकोरेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखिए मैंने ये लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, बॉल वाली लाइट्स मैंने इसमें लगा दी हैं जो कि कलरफुल जलेंगी। और बाकी सामान मैंने यहाँ ला करके रख लिया है स्टूल पर। तो अब धीरे धीरे करके डेकोरेट करती हूँ मैं। ये देखिए ये बेल्स मैंने बनाई थी, ये भी मैंने ऊपर हैंग कर दिए हैं पहले ही क्योंकि यहाँ पर फिर बाकी नीचे डेकोरेट हो जाएगा तो ऊपर लगाने के लिए जगह नहीं रहेगी। और ये देखिए इसी प्लास्टिक टेबल है, इस पर मैं सेंटा और जो भी डेकोरेट करना है वो इसी पर डेकोरेट करूँगी, इसलिए मैंने इसे ही इसी के साइड में लगा दिया है और उस पर एक टेबल क्लॉथ बिछा दिया है। अब देखिए मैं धीरे धीरे करके ये डेकोरेट करती जाऊंगी क्योंकि इस डेकोरेशन में बहुत टाइम लगने वाला है हमें। तो मैं धीरे धीरे करके इसमें सारा डेकोरेशन करूंगी। आप लोगों को पूरा क्लिप तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरा छोटा बेटा है और वो बेटा काफ़ी छोटा है और वो फ़ोन में काफ़ी डिस्टर्ब करता है, हाथ लगाता है, इसलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप हटा रही हूँ इसमें से। देखिए मैंने यहाँ पर इन बेल्स को हैंग कर दिया है और ये सब मैंने DIY की हुई है। ये एक लेस थी और ये बॉटल की जो छोटी बॉटल्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, उन पर मैंने जूट की रस्सी को लपेट करके बनाया गया है। ये सब मैंने पहले ही बनाकर रख लिया था तो वो मैं दिखा नहीं पाई। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये डेकोरेट किया है। अभी दिन है इसलिए समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक से नहीं दिखेगा, रात में मैं नाइट के टाइम दिखाती हूँ। तो चलिए नाइट में अब लाइटिंग जलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये इस ट्री को डेकोरेट किया है। स्टार को यहाँ पर लगाने में बहुत ही दिक्कत हुई थी पर जैसे तैसे करके मैंने उसे बांधा ऊपर। और ये लाइट्स गोल वाली रंग बिरंगी कितनी अच्छी लग रही हैं, कलरफुल, ये आप देख सकते हैं। और बेल को मैंने यहाँ नीचे हैंग किया है क्योंकि थोड़ी सी भारी हो रही थी तो वो ज़्यादा नीचे लटक रही थी इसलिए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर डेकोरेट किया है। और अभी भी मेरे दिमाग में कुछ कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर कुछ नया इसमें मैं ऐड करूँगी तो। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग इंजॉय कीजिए इसे। और फ्रेंड्स कुछ लाइट्स मुझे अभी और ऐड करनी है तो मैं कल ऐड कर पाऊँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, रात काफ़ी हो चुकी है मुझे डेकोरेट करते करते और घर के काम भी काफ़ी
रह गए मेरे, वो भी निपटाने हैं। फ्रेंड्स ये बेल जो देख रहे हैं, ये इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगा था, करीब 2 दिन लगे थे ये इसी इतनी सी बेल बनाने में, बेल की लड़ी बनाने में। तो ये मैं वीडियो दिखा ही नहीं पाई, मेरा दिमाग ही नहीं चला कि मैंने रिकॉर्ड कर लेना था या नहीं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से बनाकर दिखा दूंगी। और अब मैं थोड़ा सा अंधेरा करके दिखाती हूँ मेन लाइट को बंद करके। ये देखिए इस तरीके से लुक आ रहा है। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कलरफुल लाइट्स और ऐड करनी है, तो वो मैं लगा दूँगी आज हो सका तो, क्योंकि नाइट काफ़ी हो चुकी है, तो मैं सुबह ही लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं मेन लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी गिफ्ट भी रखना है, गिफ्ट बॉक्स भी वहां पर रखना है मुझे, तो काफ़ी कुछ बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डालूंगी क्रिसमस डे के दिन। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखें। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स DIY को लेकर के मेरे चैनल पर बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी आगे चल के। मेरा ये चैनल अभी नया नया है, इसलिए मैं कुछ अभी डाल नहीं पाई हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अपने घर में क्रिएट कर रखी हैं, DIY कर रखी हैं, और बहुत से क्राफ्ट बना कर रखे हैं, और भी आगे चल के नए नए क्राफ्ट आप लोगों को बताती रहूँगी बना करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नए नए चीज़ें सीखने को मिलें, क्योंकि मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, काफ़ी काफ़ी नहीं तो ठीक ठाक ही कर लेती हूँ, पर आप लोगों को नए नए आइडियाज़ मिल जाएंगे इससे। और जो लोग क्राफ्ट और DIY और पेंटिंग वगैरह से मैं इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं इन चीज़ों में, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में बाय बाय कहती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिसमस डे के दिन ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि मुझे गिफ्ट और केक वगैरह का सेलिब्रेशन और करना है, और भी हो सका तो मैं और कुछ भी तैयारी करके रख लूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।